रेवाड़ी में पीएनबी बैंक में कैश जमा कराने आए शख्स का 21,76,000 रुपए से भरा हुआ बैग चोरी कर ली गए। चोरी की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा लाल शर्ट वाला ये चोर इतना शातिर है कि बैंक के भीतर से 21,76,000 की नकदी लेकर रफूचक्कर हो गया। जब तक चोरी की भनक लगी तब तक चोर गायब हो चुका था। दरअसल कैश कलेक्शन करने वाली कंपनी का कर्मचारी नंदकिशोर पीएनबी बैंक के भीतर कैश काउंटर पर पैसे जमा करा रहा था, तभी ये चोर आया और पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बंदा कैश लेके आया था पेट्रोल का या काउंटर से, उसका कैश एक बैग कोई उठा के चला गया। कितने अमाउंट था उसमें? ये अमाउंट टोटल तो 22 लाख था, लेकिन उसमें कुछ उसने जमा कर दिए थे। ये कौन सी कंपनी का कैश था? ये सेवस कंपनी का था, बालाजी पेट्रोल का कैश उठा के लेके आया। चोरी की वारदात के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। पीएनबी बैंक में बालाजी पेट्रोल पंप के पैसे जमा कराने के लिए सीडब्ल्यूएस कंपनी है, बैंक ने हायर कर रखी, उन्होंने पैसे जमा कराने के लिए आया था। काउंटर पर खड़े खड़े बातचीत करा था और वो पैसे जो है साइड में रख दिए, बोर्ड था साइड में और पीछे पैसे रख दिए और ये अपने बात करने लगा, कहीं ध्यान इसका दूसरी तरफ हो गया। इतनी देर में एक लड़का सीसीटीवी फुटेज में आया है, एक लड़का है, दो लड़के पहले आए वो पीछे चले गए, एक लड़के को भेजा है वो अपने आराम से पैसे उठा कर चला गया। बैंक के भीतर हुई चोरी की यह वारदात बैंक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। हालांकि बैंक मैनेजर ने बैंक की चूक होने से इनकार किया। सुरक्षा बंदोबस्त पूरे थे, हमारी एक जो कंपनी होती है सीएमएस कंपनी है जी, वो हमारी कैश कलेक्शन का काम करती है जी। तो वो हमारे जो बालाजी मोटर्स और दूसरा पेट्रोल पंप है उसका कैश डेली लेके आती है जी। तो वो आके कैश जमा करा रहे थे काउंटर पर, उन्होंने अपना कैश जो है झोले में लेके नीचे साइड में रख दिया। इसी बीच में कुछ लोग जो पहले से दो तीन लड़के लग रहे हैं कुछ, उन्होंने जाके एक लड़के ने झोला उठा के और वो बाहर। बहरहाल बैंक के भीतर हुई इस वारदात से हर कोई सख्ते में है और पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी है। रेवाड़ी से नीरज चौधरी, फोकस हरियाणा।